टेक्सास चेनसॉ 2022 मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि 1973 में ऑस्टिन टेक्सास के पास किसी अज्ञात आदमी ने 5 दोस्तों पर हथौड़ा नीटूक और एक चेनसॉ से हमला किया। इस हमले में सिर्फ एक लड़की जिंदा बची जिसका नाम सैली हार्डेस्टी था और उसने पुलिस को अपने बयान देने के बाद इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी चर्चा नहीं की क्योंकि उस आदमी ने ह्यूमन स्किन का मास्क पहना हुआ था इसलिए किसी को भी उसे पहचानना मुश्किल था। जिसके बाद हैली के बयान के बिहाफ पर पुलिस ने उस अज्ञात आदमी का स्केच तैयार कराया। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लायला होता है। वो एक गैस स्टेशन पर कुछ सामान खरीद रही होती है जहाँ वो उस न्यूज को देखने के बाद उस गैस स्टेशन के ओनर से सैली के बारे में पूछती है जो उसे बताता है कि सैली टेक्सास में एक रेंजर का काम करती है और 30-40 सालों से उस अज्ञात आदमी को ढूंढ रही है जिसने उसके दोस्तों को इतनी खौफनाक तरीके से मार डाला। अब हम देखते हैं कि लायला की बहन वहां आती है जिसका नाम मेलोडी होता है। उसके साथ दो और लोग जिनका नाम डांटे और उसकी गर्लफ्रेंड रूथ भी होते हैं। एक्चुअली ये लोग एक टाउन जिसका नाम हार्लो होता है वहाँ डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं और स्पॉन्सर्स के इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ ट्रेवल करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस गैस स्टेशन पर एक आदमी फ्यूल भरवाने आता है जिसके पास गन होती है। मेलोडी उसे देखकर कुछ कमेंट पास करती है जिसके बाद वो आदमी भी मेलोडी पर काउंटर कमेंट करता है। खैर उसके बाद मेलोडी लायला और वो सब लोग गैस स्टेशन से उस टाउन के लिए निकल जाते हैं। लेटर ऑन वो लोग टाउन पहुंच जाते हैं और फिर वो सब वहाँ के डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ वही आदमी मिलता है जिससे गैस स्टेशन पर मेलोडी की बहस हुई थी। वो बताता है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्टर है और जल्द ही इनोवेशन का काम स्टार्ट कर देगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी लायला की नज़र एक ऑर्फिनेज की बिल्डिंग पर पड़ती है जिस पर कोई झंडा लगा होता है जिसके बाद वो अपने सभी फ्रेंड्स से बताती है जिसे देखने के बाद डांटे उन सभी से कहता है कि इसे यहाँ से उतारना पड़ेगा अदरवाइज कोई भी इन्वेस्टर उनके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। फिर डांटे और मेलोडी उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और डांटे उस विंडो से उस झंडे को निकालने की कोशिश करता है पर उसके हाथ कानून जितने लंबे नहीं होते और फिर वो उस झंडे को नहीं निकाल पाता। अब वो नीचे आता है और मेलोडी से बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ उनके पास एक ओल्ड लेडी आती है जिसका नाम गिनी होता है। वो उन दोनों को अपना नया पड़ोसी समझती है जिसके बाद वो उनका वेलकम करती है और बताती है कि ये बिल्डिंग एक ऑर्फेनेज है और वो यहाँ पिछले 50 सालों से बेसहारा बच्चों को पालती है। तभी मेलोडी उससे कहती है कि ये बिल्डिंग तो बैंक ने जब्त कर ली थी फिर आप यहाँ क्यों रह रही हैं? जिस पर वो ओल्ड लेडी मेलोडी से कहती है कि उसने बैंक का पैसा दे दिया है और उसके पास इस बिल्डिंग के पेपर भी हैं। पर डांटे उसकी इन सब बातों को फर्जी मानता है और उसे कुछ अपशब्द कह देता है और उस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए पुलिस को कॉल कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एक लंबा सा आदमी जिसका चेहरा बंद होता है वहाँ आता है जिसे वो ओल्ड लेडी अपना लास्ट सन बताती है और उसे वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहती है जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब तभी वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जिन्हें डांटे ने कॉल करके बुलाया था। वो ऑफिसर उस लेडी से कहते हैं कि ये बिल्डिंग उनकी नहीं है और वो यहाँ से निकल जाए जिसके बाद उस लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। फिर वही लंबा आदमी जिसे हमने स्टेयर्स पर देखा था वो उस ओल्ड लेडी का बेटा होता है उसे उठाता है। अब वो आदमी कुछ पुलिस ऑफिसर और डांटे की गर्लफ्रेंड रूथ उस लेडी को लेकर हॉस्पिटल निकल जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने उस ऑर्फनेज से वो झंडा उतार दिया था। अब वहाँ उस टाउन में वो सभी इन्वेस्टर्स बस से पहुंच जाते हैं और उसकी लोकेशन देख रहे होते हैं। लेटर ऑन हम देखते हैं कि वो लेडी जिसे हार्ट अटैक आ गया था रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है जिसके बाद वो लंबा आदमी रोने लगता है और काफी डिप्रेस्ड होता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो मर चुकी है जिससे वो लंबा आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और उस ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है। फिर वो ऑफिसर उसे गोली मारने वाला होता है लेकिन तभी वो लंबा आदमी उसका हाथ मोड़ देता है जिससे वो गोली एम्बुलेंस ड्राइव कर रहे दूसरे ऑफिसर को लग जाती और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है।
अब वो दोनों पुलिस ऑफिसर मर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसी टाउन में ऑक्शन चल रहा होता है, जिसमें वो इन्वेस्टर वहाँ की डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर्टी की बिडिंग कर रहे होते हैं। तभी मेलोडी देखती है कि लायला उसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाती है। वो कॉन्ट्रैक्टर लायला से कुछ बात कर रहा होता है और तभी लायला की नजर एक गन पे पड़ती है। फिर वो उस गन को उठाकर देख रही होती है, क्योंकि लायला के साथ पास्ट में कुछ हुआ था जिससे वो उन लोगों के साथ बदला लेना चाहती है। अब उधर ऑक्शन खत्म हो जाता है और मेलोडी बस पर अपना सेल फोन लेने आती है। तभी वो देखती है कि रूथ ने उसे मैसेज किया है जिसमें लिखा है कि वो लेडी मर चुकी है। अब वो इस टाउन से वापस जाना चाहती है क्योंकि वो किसी भी पुलिस केस के पचड़े में नहीं फंसना चाहती। अब सीन मूव ऑन होता है और हम देखते हैं कि मेलोडी लायला को उस कॉन्ट्रैक्टर के पास से वापस बुलाने जाती है और उसे उस ओल्ड लेडी के डेथ के बारे में बताती है, जिसे वो कॉन्ट्रैक्टर भी सुन लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वही एक्सीडेंटल एम्बुलेंस दिखाई जाती है जिसमें उस ओल्ड लेडी की डेथ हो गई थी, जिसके साथ वो लंबा आदमी भी था। अब वो आदमी उस ओल्ड लेडी को एम्बुलेंस से बाहर निकालता है और उसके फेस से स्किन उतार रहा होता है, जिससे रूथ एक साइड मिरर से देख रही होती है। अब रूथ एम्बुलेंस में लगे रेडियो से किसी से हेल्प मांगती है और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसे वो गैस स्टेशन का ऑनर सुन लेता है। लेकिन तब तक वो आदमी उस ओल्ड लेडी के फेस की स्किन उतार लेता है और उसे अपने फेस पर लगा लेता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो आदमी ही लेदर फेस है जिसका इस मूवी में अर्लियर ऑन पुलिस ने स्केच तैयार करवाया था। खैर, उधर रूथ वहां से भागना चाहती है पर वो लेदर फेस उसका गला पकड़कर उसका पेट काट देता है और उसे भी मार डालता, और लेदर फेस अपनी मदर की डेथ का बदला लेने के लिए वापस से वही टाउन चला जाता है। अब मेलोडी अपनी बहन लायला के साथ उस टाउन से जा रही होती है, लेकिन तभी वो कॉन्ट्रैक्टर उनकी गाड़ी की चाबी ले लेता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने ही उस ओल्ड लेडी को मारा है। ये चाबी उन्हें तभी मिलेगी जब वो उस प्रॉपर्टी के पेपर उसे दिखाएंगे। अब मेलोडी और डांटे उस प्रॉपर्टी के पेपर बस पर लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें वो पेपर वहाँ नहीं मिलते, जिसके बाद मेलोडी डांटे से कहती है कि कहीं सच में तो ये प्रॉपर्टी उस ओल्ड लेडी की नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वही गैस स्टेशन का ऑनर सैली को कॉल करता है और उसे बताता है कि लेदर फेस वापस आ गया है, जिसके बाद वो बहुत से हथियार लेकर अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ से निकल लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलोडी और डांटे उसी ओल्ड लेडी के ऑर्फनेज में प्रॉपर्टी के पेपर्स ढूंढने जाते हैं, जहाँ मेलोडी के एक बॉक्स में वो पेपर मिल जाते हैं जो सच में उस ओल्ड लेडी के नाम ही थे, यानी वो ओल्ड लेडी झूठ नहीं बोल रही थी। अब हम देखते हैं कि वही लेदर फेस वापस से ऑर्फनेज आ जाता है, जिसकी आहट को सुनकर डांटे उसे देखने जाता है। पर जैसे ही डांटे लेदर फेस को देखता है वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने वाला होता है, पर लेदर फेस उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट देता है। अब मेलोडी नीचे आती है और लेदर फेस को देखकर भागती हुई एक कबर्ड में छिप जाती है। फिर लेदर फेस उसका पीछा करता है पर वो उसे ढूंढ नहीं पाता, जिसके बाद वो एक खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी मेलोडी उस कबर्ड से बाहर आ जाती है और भागने वाली होती है, लेकिन तब तक लेदर फेस भी वहाँ आ जाता है, जिससे मेलोडी वहीं बेड के नीचे छिप जाती है। अब लेदर फेस एक हैमर से दीवार तोड़ रहा होता है, जिससे वो उसमें रख के अपने चैनसॉ को निकाल सके, लेकिन तभी हैमर की आवाज से डांटे को होश आ जाता है और वो हेल्प के लिए उस ऑर्फेनेज से बाहर जाता है, जहां उसे वही कॉन्ट्रैक्टर मिलता है जिससे डांटे लेदर फेस के बारे में बताता है। पर अब डांटे की काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, जिससे वो वही मर जाता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्टर मेलोडी को बचाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और उस लेदर फेस से फाइट करता है, पर वो लेदर फेस उस कॉन्ट्रैक्टर के पैर पर हैमर मार देता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता। पर तभी वो कॉन्ट्रैक्टर की नजर बेड के नीचे छिपी मेलोडी पर पड़ती है, जिसे वो गाड़ियों की सभी की वापस कर देता है। अब लेदर फेस उस कॉन्ट्रैक्टर के सिर पर हैमर मारकर उसे मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि मेलोडी वहां से भागती हुई नीचे तक आ जाती है, लेकिन तभी लेदर फेस उसे हैमर मारकर गिरा देता है। अब वो मेलोडी के पास आने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेलोडी एक अंडरग्राउंड चैम्बर में छिप जाती है।
उधर लायला मेलोडी को ढूंढती हुई उसी अंडरग्राउंड चैम्बर की विंडो तक पहुंच जाती है, जिसे देख मेलोडी रोने लगती है। पर इसी बीच लेदर फेस उसकी रोने की आवाज सुन लेता है और फिर वो अपने चैन सॉ से उस जमीन को काटने लगता है। पर किसी तरह लायला उस विंडो को तोड़कर मेलोडी को बचा लेती है। फिर वो दोनों वहां से भागती हुई बस पर पहुंच जाती हैं। लेटर ऑन हम देखते हैं कि लेदर फेस भी उनका पीछा करता हुआ बस पर पहुंच जाता है और उन सभी इन्वेस्टर्स को अपने चैन सॉ से काट डालता है। पर मेलोडी और लायला खुद को बस के केबिन में बंद कर लेते हैं, जिसके बाद लेदर फेस अपने चैन सॉ से बस की डोर को काट डालता है। लेकिन तब तक वो दोनों बस की रूप से बाहर आ जाती हैं और वहीं से भाग रही होती हैं। तभी वहां सैली आ जाती है और उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। अब मेलोडी सैली से कहती है कि ये कोई साइको किलर है जिसने उसके सभी फ्रेंड्स को मार डाला। तब सैली उससे 1973 के उस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है और उसका नाम लेदर फेस बताती है और ये भी कहती है कि उसे काफी समय से इस आदमी की तलाश थी। अब सैली मेलोडी और लायला को उसी कार में लॉक कर लेदर फेस की तलाश के लिए ऑर्फनेज के अंदर जाती है। कुछ देर की तलाश के बाद लेदर फेस सैली को मिल जाता है, जिसके बाद वो उससे पूछती है कि उसने उसके फ्रेंड्स को क्यों मारा। लेकिन लेदर फेस बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। लेटर ऑन हम देखते हैं कि लेदर फेस उसी कार की विंडो को तोड़ डालता है जिसमें मेलोडी और लायला लॉक थी। वो लायला को कार से खींचकर चैन सॉ से काटने ही वाला होता है, पर तभी सैली उसे गोली मार देती है, जिसके बाद लेदर फेस वहां से भाग जाता है। फिर सैली मेलोडी को उस कार की देती है और उस टाउन से वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी लेदर फेस सैली पर अटैक कर देता है और कुछ देर के स्ट्रगल के बाद वो उसे अपने चैन सॉ से काट कर अधमरा कर देता है। फिर मेलोडी और लायला वहां से भाग रही होती हैं, पर लेदर फेस वही चैन सॉ उन पर फेंक कर मारता है, जिससे बचने के चक्कर में उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फिर उस गाड़ी को लेकर कॉन्ट्रैक्टर की बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से मेलोडी के पैर में काफी चोट आ जाती है। उधर वो लेदर फेस दोबारा से उन दोनों को मारने आ रहा होता है, जिसके बाद मेलोडी लायला को वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही लेदर फेस मेलोडी को चैन सॉ से काटने वाला होता है, तभी लायला उस पर गन से फायर करने वाली होती है, पर उस गन में बुलेट्स नहीं थे, जिससे लायला लेदर फेस को नहीं मार पाती और फिर लेदर फेस लायला को दौड़ा कर चैन सॉ से काटने वाला होता है। पर तभी अधमरी सैली उस पर फायर कर देती है, जिससे वो वहां से भाग जाता है। अब सैली लायला को एक गन और बुलेट्स देती है और लेदर फेस को मारने के लिए कहती है, जिसके बाद लायला लेदर फेस को उसी बिल्डिंग में ढूंढ रही होती है। कुछ देर बाद लेदर फेस उस पर अटैक कर देता है और उसे लेकर एक पूल में कूद जाता है। थोड़ी देर बाद लायला ये सोचकर उस पूल से बाहर आ जाती है कि लेदर फेस मर गया, पर तभी लेदर फेस भी उस पूल से बाहर आ जाता है और चैन सॉ को स्टार्ट कर लीला को मारने वाला होता है। पर तभी मेलोडी किसी तरह वहां आ जाती है और उसे फाइट करने लगती है, लेकिन लेदर फेस उसे भी अपने चैन सॉ से मारने वाला होता है। पर उतने में ही लायला सैली की दी हुई गन और बुलेट से लेदर फेस पर फायर कर देती है और फिर मेलोडी उसी चैन सॉ से अपर कट देते हुए उसे पूल में गिरा देती है। वो दोनों यही सोचकर वहां से चली जाती हैं कि लेदर फेस मर चुका है, पर असल में वो अभी भी जिंदा होता है। अब अगली सुबह वो दोनों बहन टाउन से वापस अपने घर जा रही होती है और कार को ऑटो पायलट मोड पर एक्टिवेट कर देती है और बातें कर रही होती हैं। पर तभी अचानक से वहां लेदर फेस आ जाता है और वो मेलोडी को कार से बाहर खींच लेता है और उसके सर को चैन सॉ से काट कर धड़ से अलग कर देता है। लायला ये सब देखकर काफी परेशान होती है, पर कार के ऑटो पायलट मोड एक्टिवेट होने के कारण वो अब कुछ नहीं कर पाती और टाउन से वापस अपने घर को चली जाती है। उधर लेदर फेस मेलोडी का कटा हुआ सर और अपना चैन सॉ लेकर पूरे टाउन में डांस करता है। इन लास्ट हमें दिखाया जाता है कि लेदर फेस वापस से अपने उसी घर के लिए निकल जाता है जहां 1973 में सैली के फ्रेंड्स का मर्डर हुआ था। और अब यहीं पर इस मूवी का ड्रामेटिक एंड होता है।
दोस्तों क्या लगता है आपको, वो ऑर्फनेज उस ओल्ड लेडी का था या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।